नमस्ते भाइयों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। थंबनेल देखकर आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ भी कहूँ, आप लोग प्लीज जाके वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप लोग आने वाले कोई भी वीडियो मिस करें। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अगर आप लोगों को फैट लॉस करना है या फिर वेट लॉस करना है या फिर आप लोगों को शेडेड दिखना है, इसके लिए आप लोगों को अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट को निकालना होगा। जैसे कि राइस या फिर आलू या फिर रोटी, इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट से प्लीज निकाल दीजिए, क्योंकि कार्ब आपको मोटा करता है। आप लोगों को एकदम शेडेड दिखना है तो शाम के 6 या 7 बजे के बाद आप लोग कोई भी कार्ब्स इंटेक नहीं करोगे। अगर आप लोग शाम के बाद कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो तो एक ही दिन में आप लोग यहाँ से यहाँ तक चले आओगे। मैं आप लोगों को झूठ कह रहा था कि कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को मोटा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द एंड अगर आप लोगों को फैट लॉस करना है फिर वेट लॉस करना है तो आपका गोल होना चाहिए आपके मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम, यानी एट द एंड कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आप जो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उसमें आप बिरयानी भी खा सकते हो या चिकन भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने डाइट से पूरे दिन का कार्ब्स बंद कर रहे हो या फिर शाम के बाद आप लोग कार्ब्स नहीं खा रहे हो। ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। सो प्लीज़ एन्जॉय योर फूड, और कार्ब्स आपको मोटा नहीं करता। एंड एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप लोगों को वेट लॉस करना है तो आप लोग कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, यानी कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो एंड कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो, इसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि आप लोग कितना कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो। एंड आप लोग बिरयानी या फिर कोई भी चीज़ जो आप लोगों को पसंद है वो खा के भी आप लोग अपना फैट लॉस कर सकते हो। एंड आप लोगों को यही दिमाग में रखना है कि आप लोग कैलोरिक डिफिशिएंट में हो या फिर नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ जाते जाते वो लाइक का बटन दबा देना एंड अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। मैं मिलूँगा आप लोगों को एक और नए वीडियो के साथ।